गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गुप्त कुमार श्रीवास्तव एंड दिस इज माई फिफ्थ वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019. सो लेट अंडरस्टैंड एंड वी हैव डिस्कस नाउ सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन. देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इसका जो फॉर्मूला है वो पता रहना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है. जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, पर सॉल्व करने से पहले फार्मूला देखते हैं. ठीक है, बेसिकली इसके लिए बोर्ड का जरूरत पड़ता है, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके थ्रू ही हम लोग फार्मूला को समझाते हैं और आप इसे अच्छे से बना लें. देखिए, होता क्या है, आप ये जो है नेशनल इनकम का टॉपिक है उसमें हम लोग GDP को निकालते हैं पहले, सबसे पहले एक्सपेंडिचर के मेथड के अनुसार. तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, फिर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिर होता है चेंज स्टॉक, और फिर लास्ट में होता है नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट, तो देखिए पहला होता है प्राइवेट, मतलब प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, जो भी प्राइवेट कंपनी खर्चा करेगा, चाहे गुड्स पे करे या सर्विस पे करे, वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा. फिर गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट जो खर्चा करेगा, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है आपका दोनों जो इन्वेस्ट करेगा, जैसे यहाँ पर तो दोनों का खर्चा है और यहाँ पर दोनों का इन्वेस्ट रहेगा क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में. और कोई और इन्वेस्टमेंट जो बाद में हुआ उसको हम लोग चेंज स्टॉक कहते हैं, मतलब डेल्टा स्टॉक. अब बाद में हम लोग एक और चीज़ ऐड करते थे जो नेट एक्सपोर्ट है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंट होता है उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है ये जो फार्मूला है इससे ये क्रिएट करता है. आप इस फार्मूला से निकाल कर आप इसको, ये जो टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसको निकाल सकते हैं. फिर आगे ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस का जो फार्मूला था मैं उसको भी बता देता हूँ. देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस का जो फार्मूला है उसका होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी. तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है. और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसका भाग है, ये नेशनल इनकम से बनाया जाता है. तो बिल्कुल नेशनल इनकम को भी आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो भी है, उसके भी आप देख सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि आप एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम किस प्रकार से निकालते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिखा बताते हैं. अगर आप इनकम मेथड से बना रहे हैं तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो NDPFC COE प्लस OS प्लस MI करके आप OS को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लें, अच्छे से समझ लें. इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्राइवेट है जो कि 7200 है, फिर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन मार्क है ही नहीं. ठीक है, फिर हमारा प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन है जो कि 6100 है. तो देखिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, GDP MP का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल, जो कि प्राइवेट को 7200 दिख रहा है, तो 7200 लिखते हैं. फिर हमें चाहिए गवर्नमेंट यहाँ दिख रहा है, तो ये है 6100, इसे लिखते हैं. फिर चाहिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि है नहीं, तो आप इसे छोड़ दें. फिर लास्ट में हमें चेंज नेट एक्सपोर्ट चाहिए, देख सकते हैं आप नेट एक्सपोर्ट अगर कहीं है तो ले लीजिए, जबकि नेट एक्सपोर्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसको जीरो ले लें. ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका क्वेश्चन में जो है कुछ चीज़ें और भी होनी चाहिए जो कि नज़र नहीं आ रहा है. बिल्कुल नज़र आ गया है. सबसे पहले आपको यहाँ पे नेशनल इनकम का उपयोग करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए. देखिए, इसका जो है हम लोग आंसर का हेल्प लेते हैं. देखिए, यहाँ पे GDP का फॉर्मूला लिखा है, प्राइवेट गवर्नमेंट और क्रॉस डोमेस्टिक और नेट एक्सपोर्ट. ठीक है, GDP निकालने का तरीका बता दिया है कि अगर नेशनल इनकम में आप डेप्रेशन ऐड करेंगे, NFI घटाएंगे और NIT प्लस करेंगे तो आपका डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, और उसी डोमेस्टिक इनकम से आप पुट करके ऑपरेटिंग सरप्लस या कुछ भी चीज़ों को निकाल सकते हैं. तो बस फॉर्मूला याद रखें, इसे बना लें. ठीक है, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन. गुड मॉर्निंग, दिस आप देख सकते हैं फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन. देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमें एस्टिमेट करना है MPS जो देख सकते हैं आप दिया हुआ है 0.10 दिया हुआ है. MPS कितना दिया है, 0.10 है ना, या 0.1 आप इसे 1 कह सकते हैं. और आपको चेंज इन इनकम भी दिया हुआ है, मतलब आपके पास दो चीज़ हैं. चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई होता है जो कि आपका
15,000 है और आपके पास MPS दिया हुआ है। अब ये दो चीज़ का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। के को हम लोग मल्टीप्लायर से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS भी होता है, MPS भी होता है। तो आप 1/ अगर 0.10 करते हैं तो पॉइंट हटाने के बाद ये 2 जीरो जाएगा और ये 10 से कट जाएगा, मतलब तो हमारा जो मल्टीप्लायर के हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 निकल गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, के का फॉर्मूला Δy/Δi होता है ना। तो जब डेल्टा के का फॉर्मूला Δy/Δi होता है तो आप बिल्कुल इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए Δy/Δi है ना, के हमारा 10 निकल चुका है और Δy जो है 15,000 है और Δi पता नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर निकला हुआ है 1500 करोड़ निकल गया है, ठीक है। सो